अभी जो है लगवाने आया हूँ अपनी बाइक पे, ये डंडे जो ये लगे हुए सामने ना, तो अभी मेरा इरादा यहाँ पे लगवाने का, तो यहाँ पे लगे रहे। और जो है ये इसलिए लगा रहे हैं, मैं आपको इसकी बता दूँ पर्पज़ क्या लगाने का। ये लोहे के हैं, ये पूरी बाइक मार्केट है यहाँ पे ना, ये देखें ये लोहे वाले हैं, तो ये थोड़ा मजबूत है ना, तो ये ज़्यादा सही रहेंगे। बाकी नॉर्मली जैसे वो लगे हुए ना वो, तो वो हिलते बहुत हैं। अगर देखें ये डंडा है और ये लोहे का है ना, तो ये हम लगवा रहे हैं ताकि जो है ना हम पतंग की डोर से बच सकें। लेकिन यार ये बहुत ही अजीब सा लग रहा है कुछ, लगा तो लिया है, अब बस इसको चला के देखते हैं कि चलाने में ज़्यादा हिल तो नहीं रहे। वैसे मुझे अजीब सा लग रहा है, लेकिन अपनी सेफ्टी के लिए ये भी देखते हैं अभी चला के ना। ये लगा के चलाने में कुछ देखे, इतना लंबा है माशाल्लाह ये, और जो है सही है, मतलब एक तो आपकी सेफ्टी भी रहेगी और जो है मतलब ज़्यादा भारी भी नहीं, ऐसा भी नहीं कि हैंडल वैंडल मोड़ने में ना कोई मसला आ रहा है कि अलग से लगा हुआ है, हैंडल पे लगा हुआ है ये, यहाँ लगा हुआ है तो सही है। मतलब लगवा लेना चाहिए बेहतर। जब से मैंने ये लगाया ना, कोई इधर से देख रहा है कोई उधर से देख रहा है कि भाई लगवाया क्या इसने, लेकिन हालांकि क्योंकि काफ़ी लोगों ने भी लगवा लिया है। लगता है हमारी बाइक कुछ ऐसी लग रही है। और जो है ये देखें, इन्होंने यहाँ पे लगाया है, ये बैल वेल कोई नहीं, ये नट से लगाया है और ये बिल्कुल टाइट हो गया है ना, तो साइड से लगाया है तो ये यहाँ पे बीच में आ रहा है सही ना। फायर नहीं लग तो गया है, लेकिन जो है अभी चलाने में थोड़ी अजीब अजीब से लग रही है, इतनी लंबी चीज़ें बाइक पे लगी हुई है, लेकिन ये हमारी सेफ्टी के लिए ही है तो मतलब बेहतर है। और जो टाइट भी लगाया इन्होंने, तो जो कोई ऐसा नहीं जैसे मैं चलते हुए आया हूँ अभी, तो ऐसा नहीं कि हवा की वैसे नहीं है गिर रहा है, जो आगे पीछे हो रहा है हमें नुकसान दे रहा है, ऐसा भी नहीं है, बिल्कुल सही परफेक्ट लगा हुआ। मतलब हम चाहे दो भी लगवा सकते हैं, जैसे एक मैंने यहाँ लगवाया हुआ ना, तो मैं एक यहाँ भी लगवा सकता हूँ यहाँ पे, तो ये दो फिर यूँ उठ के आएंगे यूँ। लेकिन ये जो टेढ़ा ही रहेगा, क्योंकि जो है ना यहाँ से जो है ना मतलब ये टेढ़ा ही रहेगा, ये सीधा हो ही नहीं सकता, तो ये लेकिन ऐसा है लेकिन सही है। ये कुछ बाइक लग रही है भाई, ये देखें। तो आपका भाई बोतल को ऐसे लेके जा रहे भरने के लिए, मैंने टंकी पे रखी है बोतल, हमने रास्ता है ऐसे इसलिए लेके जा रहा हूँ, यहाँ पे रश नहीं होता तो भी जो है ना ज्यादा संभालने में आसानी होगी बाइक। अभी देखते हैं क्या होता है, पानी भर रहा है, अभी देखते हैं इसको भरने में कितना टाइम लगता है। और भरने रख दिए मैंने, इतनी भर चुकी है और इतनी काफी है, वरना मुझसे संभाल ही नहीं जाएगी, क्योंकि बड़ी बोतल है। तो आपका भाई फाइनली रख ली है मैंने यहाँ पे, और अब कोई मसला मुझे हो नहीं रहा है, वैसे आसानी से जा रही है। तो फाइनली भाई बोतल भर के लेके आ चुका हूँ अलहमदुल्ला सही सलामत, और अब इस बोतल का जो पानी है वो इस कूलर में डालना है, तो देखते हैं कि मैंने इतना भरा ही आधा, तो ये अगर मैं डालूँ तो कूलर कितना भरता है, क्योंकि हम फर्स्ट टाइम इससे भर के ला रहे हैं। भाई कूलर जो है फुल हो चुका है, लेकिन इसमें फिर भी जो है ना थोड़ा पानी बचा है, तो मैं इसको फुल भी भर के नहीं लेके आया हूँ, लेकिन जो है कूलर तभी फुल हो गया है, तो अगर मैं इसको फुल भर के लेके आऊँ तो हमारा तकरीबन एक और एक आधा कूलर बनता है इसका, क्योंकि ये बोतल बड़ी है। तो इसका मतलब कि हमने जो बोतल ली है बिल्कुल परफेक्ट लिया, वरना हम 20 लीटर वाली ले रहे थे, तो 20 लीटर वाली में भी भर जाता, लेकिन ये जो ज़्यादा सही है, क्योंकि इसमें अगर हम फुल भर के लेके आएंगे तो हमारा तकरीबन 4 से 5 दिन पानी चल जाएगा, हमें बार बार भर के लाना नहीं पड़ेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये काम भी हो चुका है फाइनली आज का। इसके व्लॉग में भाई आपके भाई की ये एक्टिविटी थी कि जो मैंने जो अपना वो डंडा जो था वो लगवाया बाइक के आगे, और पानी की बोतल भर के लेके आया हूँ मैंने घर के लिए, जो कि हमने नई बोतल ली थी, तो अब मुझे इसमें अंदाज़ा हो गया हाँ भाई कि अब जो हमारा 5 से 6 दिन पानी आराम से जाएगा, बेफिक्री से आराम से अल्हम्दुलिल्लाह। और नॉर्मली आप छोटा कूलर था तो जो है ना उसमें तकरीबन 2 दिन में ख़त्म हो जाता पानी। तो अब बाकी जो हमने जो डंडा लगवाया था ना वो निकल चुका है, वो मैंने उसका व्लॉग बनाया है, आप लोगों को बताऊंगा नेक्स्ट व्लॉग में, देखिएगा नेक्स्ट व्लॉग भी मैंने आपके भाई ने तैयार कर लिया, आपका भाई मैच कर रहा है फुल, तो वो निकल गया। मैं बाकायदा चल रहा था रास्ते में, तो इतना ऊँचा है वो डंडा, तो फौरन वो नीचे गिर इसके ऊँचा, तो चलती हुई बाइक में अटका ज़मीन पर, तो अल्हम्दुलिल्लाह नीचे गिरने से पहले मुझे पता चल गया था, क्योंकि मैं बाइक चला रहा था ना तो एकदम वो सीधा होता ना वो नीचे हुआ एकदम, तो मैंने फ़ौरन पकड़ा उसको कि भाई मसला हो जाएगा, तो पकड़ के मैं फौरी पहली दौर पर जो है ना फौरी जो है ना पहली फुर्स में घर आया हूँ, घर आके उसको निकाला है, घर निकालने के बाद फिर घर पे रख के गया हूँ फिर आगे। तो अब जो इंशाल्लाह उसको जो है ना नेक्स्ट व्लॉग में हम लगवाएंगे बाहर, उसको वेल्ड करवाएंगे, क्योंकि नट से तो जो है ना, और सब हमने साइड में लगवाया ना लगवाया हुआ भी, तो उसको हम बीच में लगवाएंगे और ऊपर तक हो जाएगा, ताकि हमारी सेफ्टी और ज़्यादा रहे, और हम बीच में लगवाएंगे और उस पर जो है ना 1 से 2 वेल्ड के टाँके भी लगवा देंगे, ताकि वो निकले ना, क्योंकि उसका नट लूज़ हो गया था अभी, तो वेल्ड के जब टाँके लगे ना तो नट मतलब वो निकलेगा नहीं, वो मजबूती होगी उसमें,
तो कोई खतरा नहीं होगा फिर। तो ये था बैच के लोग, आपने इंजॉय किया होगा, इंजॉय किया सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा। बस अभी जो है तरावी शुरू होने वाली है इशा के बाद, तो मिलता है नेक्स्ट व्लॉग में। अभी के लाइफ इज़ बाय बाय।